और कोई है क्या? रेडी? वेट वेट वेट, अबे आगे हट आगे। क्या लुक केट वन बीच की दुकान है? यार का यहाँ पे देख, बाल ठीक है? हाँ यहीं पे देखो, एक सेम पोज वैसे है। एक शॉट वहां से लेके आते क्या? क्लोज मार रहा उसका, क्लोज मार, क्लोज मार। अब धीरे से लेता हुआ और मैडम सही खड़ी रहे। हाँ सही खड़ी, सही खड़ी, हाँ सही खड़ी, बस हो गया ना। दो तीन
सॉन्ग्स जब मैंने एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म की थी और कल ही मैंने देखा एक्चुअली वुमेन्स डे 8 तारीख को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च। तो मैंने गूगल में देखा 1914 में एक संडे आया था, वो संडे जो है ना 8 मार्च था, तब से वुमेन्स डे मतलब वो सेलिब्रेट करते रहते हैं। आई थिंक वुमेन शुड बी सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर ऑल द टाइम एवरी टाइम, लेकिन चलो अच्छा है एक दिन खास उनके लिए स्पेशल रखा गया है। तो मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, मैं जैसे रोज़ाना करती हूँ, आई मोटिवेट माई सेल्फ एंड आई ट्राई एंड स्प्रेड लव। आई थिंक वुमेन आर देयर टू स्प्रेड लव एंड टू स्प्रेड लाइफ, सो आई डू दैट। देखिए वुमेन के बगैर दुनिया नहीं चल सकती और दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो जब मैं वुमेन्स डे मेरे माइंड में आता है तो आई थिंक इट्स अ बिट कमर्शियल लाइक, लेकिन I think it's important to give women that importance. There are a lot of cases, main bolna chahungi, a lot of cases especially in this country of rape, of acid throwing, of dowry, so many things that happen and we need to work towards eliminating that. Hame sab milkar ye sab cheeze hatani hai. To women's day jab main sochti hu to main chahti hu ki women ke equal rights ho, women ka equal pay ho, unko bhi wohi barabari ka hissa diya jaye. ये सब जो रेप एसिड थ्रोइंग डाउरी ये सब जो होता है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके वुमेंस डे है तो क्या आपके जो फैंस हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, आपके मतलब जो है जो कुछ करना चाहती हैं उनको मौका नहीं मिल पाते कुछ लड़कियों को, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, सबसे पहली बात।
अगर आप अच्छा एजुकेशन अपने जहन में और अपने पास आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकती हैं। सबसे पहली बात यही है। ओके, अगर इंडस्ट्री वाले बात करिए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल वुमन आप किसको मानते हैं? एज अ फिल्म स्टार आप कहना चाहोगे? आई थिंक आज के दिन में दीपिका पादुकोण काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी मानी जाती हैं, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू पब्लिक पोल मैं यही कहूँगी कि दीपिका पादुकोण सबसे मानी जाती है। पॉलिटिक्स में लेडी आई गेस प्रियंका गांधी, अगले साल के लोकसभा आ ही रहे हैं एंड पता नहीं कौन खड़ा होने वाला है एंड लेट्स सी प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में अपना मतलब एक्टिव रोल अगर निभाना शुरू करें तो आई थिंक शी विल डू क्वाइट वेल। हाँ, आजकल बायोपिक का दौर चल रहा है, जहाँ देखती हूँ कोई ना कोई किसी ना किसी पे बायोपिक बना रहा है। देखिए मैं ज़रूर कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में एक बायोपिक ज़रूर करना चाहूँगी, या वो प्रियंका गांधी का हो या किसी और का हो। मैं ज़रूर एक बायोपिक वैसा करना चाहूँगी जो मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हार्ड वर्किंग वुमन पे हो। तो अपनी लाइफ का रोल मॉडल किसको मानती है, किस लेडी को मानती है? मैं किसको रोल मॉडल मानती हूँ? मेरी माँ सबसे पहले, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी हैं और उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि कुछ भी हो जाए यू हैव टू स्टे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आई थिंक मे बी मैरी क्यूरी एंड ऑल द डॉक्टर्स हु वर्क रिलेंटलेसली इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ डायबिटोलॉजी। आई रियली रिस्पेक्ट वुमेन डॉक्टर्स, सो मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैं चाहूँगी कि लेडीज़ को इक्वल पे मिले। आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम भी उतनी मेहनत करते हैं और हम भी उतनी लगन से काम करते हैं तो हमें भी बराबरी का पैसा मिलना चाहिए। तो मैं ज़रूर इक्वालिटी इन पे के लिए ज़रूर फाइट करना चाहूँगी। तीन साल पहले मैंने एक फिल्म की थी सावित्री के ऊपर और तब हम लोगों ने अनाथ आश्रम से बहुत सारे बच्चों को बुलवाया था जो नेत्रहीन थे और जिनको जो डेफ एंड डम थे, और उनके साथ हम लोगों ने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था। तो उनको हम लोगों ने हिम्मत दी, उनको शक्ति दी कि देखिए जब आपकी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, जब नॉर्मल ज़िंदगी आपको जीने का नहीं मौका मिलता लेकिन फिर भी आप स्पेशल होती हैं और आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस दिन वो सेलिब्रेट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनको हम लोगों ने मार्शल आर्ट्स सिखाया था जबकि वो लोग ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन उनकी उनकी सेंसिटिविटी और उनकी जो शक्तियाँ हैं ना वो हमसे ज़्यादा हैं। वो जब मुझे देख रही थी ना, इन्हों देख रही थी मतलब देख जब मेरे साथ जब खड़ी हुई थी, जब मैं उनसे सारे एक्शंस करवा रही थी ना मार्शल आर्ट्स के, तो बहुत बखूबी से निभा रही थी। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, और आपकी लाइफ के मैं स्पेशली आज के दिन वुमेन्स डे पे श्रीदेवी और शमी आंटी को याद करना चाहूँगी। आज वो हमारे बीच नहीं रहे और मैं जानवी कपूर को बहुत सारा पावर देना चाहती हूँ एंड शी हैज़ अ वंडरफुल वंडरफुल यू नो लाइफ अहेड ऑफ हर एंड शी इज़ गोइंग टू कैरी दैट लेगेसी फॉरवर्ड। सो आई गिव हर ऑल सपोर्ट एंड आई गिव अ लॉट ऑफ लव टू द कपूर फैमिली एंड शमी आंटीज फैमिली। बहुत दुख की बात होती है जब आपका इतना इम्पोर्टेंट सदस्य नहीं रहता, और श्रीदेवी तो खैर बहुत ही जल्दी चली गई। सो वी मिस देम अ लॉट, वी मिस देम अ लॉट, और उनकी तरह कोई नहीं होगा फिल्म इंडस्ट्री में। वो पहली सुपरस्टार रह चुकी है फिल्म इंडस्ट्री के, और शमी आंटी इतनी क्यूट थी, जब भी वो फ्रेम में आती थी ना तो मन करता था हाँ यार ये बस ये मेरी मम्मी है, ये मुझे लाड प्यार स्नेह सब देगी। तो वी रियली मिस बोथ ऑफ देम अ लॉट। बहुत 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 बड़ा लॉस है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए। श्रीदेवी सचमुच में बहुत टैलेंटेड थी, उसको कॉमेडी, रोमांस, डांस हर चीज़ में वो
वो हर चीज़ में अमेजिंग थी, और बोनी कपूर की वो मतलब प्यार थी, और आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आपकी जान और आपका प्यार चला जाता है, इट मस्ट बी रियली रियली हार्ड. तो उनके फैमिली के लिए कितना मुश्किल होगा, और इंडस्ट्री के लिए तो खैर है ही, इट्स अ वेरी सैड थिंग. एंड वी रियली मिस हर, वी रियली मिस हर, येट वी विल कीप हर मेमोरीज अलाइव बाय डूइंग गुड वर्क. एंड ऑल द गर्ल्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, वी ऑलवेज लुक अप टू हर एंड वी विल डू द बेस्ट वी कैन. मैं उनसे मिली हूँ, वो मॉम के प्रमोशन के दौरान एक म्यूज़िकल शो पे आई थी, सारेगामा लिटिल चैंप्स, वो अक्षय खन्ना के साथ आई थी. मैं उनसे वहाँ मिली थी पहली बार. लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ. जब मॉम रिलीज़ होने वाली थी, तो जो प्रोड्यूसर हैं उनके, सुनील मनचंदा, उन्होंने मुझे एक स्पेशल स्क्रीनिंग पे बुलाया था, और मैं और अनिल कपूर और अनुपम खेर जी, हम लोग तीनों मिल के वो देखे थे. और अनुपम खेर बहुत पहले मुझे बताए थे एक दिन कि निहारिका, अगर सचमुच में तुम हिंदी इंडस्ट्री में बहुत बखूबी से डांस करना चाहती हो, तो सिर्फ एक ही शख्स है जिसको तुम्हें फॉलो करना चाहिए, और वो हैं श्रीदेवी. तो जब मैं, अनुपम जी और अनिल जी, हम सब लोग मॉम की पिक्चर देख रहे थे, तो हमें वो किस्सा याद आया. और जब हम लोगों ने मॉम पिक्चर देखी, तो सचमुच में मैंने यकीन मान लिया था कि श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस नहीं है. गिफ्ट, टिप्स, मैं ये बोलूँगी कि देखिए, एज अ गर्ल यू हैव टू ब्रिंग लाइफ टू द वर्ल्ड. सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर माइंड, स्प्रेड लव, मेक श्योर दैट यू हैव यू नो गॉट ऑल द एनर्जी एंड you know, the happiness to be able to spread that around you. On Women's Day, it's important to make sure that women should feel proud that they give so much to the world, and we should not be taken for granted. Bas ke aage picture jo aane wali hai hamari, please unko dekhega, and I hope you really enjoy them. So bas, then lots of love. Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.